नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। वो क्वेश्चन है मोनोकोट सीड अर्थात एक बीज पत्री बीज। इससे पहले हमने डाइकोट सीड में चने के बीज की आंतरिक संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज की कालांश में मोनोकोट सीड अर्थात इसमें हम गेहूं की जो बीज है उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। एक बीज पत्री पादपों में चाहे कोई से भी जैसे बीज, जैसे गेहूं है, जो है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, इन सब की जो आंतरिक संरचना है वो लगभग सेम होती है। तो हमने अपने सिलेबस के अनुसार गेहूं का जो बीज है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गेहूं का बीज है उसमें मात्र एक बीज पत्र पाया जाता है। जैसे कल हमने बात की थी चने में दो बीज पत्र होते हैं, परंतु इसमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। तो इस बीज पत्र की संख्या के आधार पर हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये एक बीज पत्री है अथवा द्विबीज पत्री। यदि बीज पत्र एक है तो इसका मतलब क्या हो गया, गेहूं एक बीज पत्री पौधा है, एक बीज पत्री बीज है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो आउटर जो स्ट्रक्चर है अर्थात जो बाहरी संरचना होती है वो कैसी होती है। गेहूं का बीज तो आपने सबने देखा होगा, जो बरसात जब होती है उसके पश्चात लगभग अक्टूबर नवंबर के मध्य इसको बोया जाता है। और इसमें इस गेहूं के जो बीज की जो बाहरी जो संरचना है उसमें आप देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो है सीड कोट अर्थात बीजावरण या बीज चोल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, बीज चोल। बीज चोल का मतलब क्या होता है कि बीज के बाहरी तरफ ये काले रंग की जो परत पाई जा रही है, इस पतली परत को क्या बोला जाता है, बीज चोल बोला जाता है। ये जो बाहरी जो पतली परत है ये परतें पारदर्शी नहीं होती है और जनरली हमारे को बाहर से एक आवरण दिखाया देता है जिसका जो रंग होता है वो गहरा भूरा इसका कलर दिखाई देता है। तो ये जो बीज चोल जो होता है सबसे बाहरी परत होती है। इसका मुख्य जो कार्य होगा वो एल्यूरोन परत है, प्ल्यूमूल, रेडिकल, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, इन भागों की रक्षा का होता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो बीज चोल के नीचे एक लाल कलर से मैंने इसको अभिरंजित किया है, तो ये जो लाल रंग की जो परत पाई जा रही है इस परत को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर अर्थात एल्यूरोन परत। कई बार वस्तुनिष्ठ या जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा गया है कि एल्यूरोन जो लेयर होती है वो किस में पाई जाती है, तो एल्यूरोन जो लेयर होगी वो गेहूं के बीज में पाई जाएगी, जबकि ये मात्र एक बीज पत्री बीजों में ही पाई जाती है, द्विबीज पत्री बीजों में नहीं पाई जाती है। तो ये एल्यूरोन परत पाई जाएगी, बिल्कुल ये जो एल्यूरोन परत होगी वो बीज चोल से सटी हुई होगी। साधारणतया यदि हम देखें दूर से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो ये परत एक ही परत दिखाई देती है बीज चोल और एल्यूरोन लेयर की, परंतु यदि हम अत्यधिक गहन इसका अध्ययन करें तो ये दोनों परतें अलग अलग दिखाई देती है और वास्तव में जो दोनों परतें होती है वो भी अलग अलग होती है, परंतु दोनों परतें एक दूसरे से संलग्न होने के कारण हमारे को केवल एक ही परत दिखाई देती है। उसके बाद में हम बात करते हैं आंतरिक छोर पर, आइए आंतरिक छोर पर ये लिखा हुआ है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष। तो ये इसमें जो आंतरिक छोर पर क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष में वसा, तेल, प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा, वो कौन करेगा, भ्रूणपोष, नाम से ही पता पड़ रहा है भ्रूणपोष अर्थात भ्रूण को पोषण देने वाला। तो भ्रूण को पोषण कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा। पोषण के लिए इसके पास क्या क्या होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, तेलीय बूंदे होती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम सत्वा विकर पाए जाते हैं। तो एंडोस्पर्म में ये हो गया।
इसके बाद में हम बात करते हैं जो बीज का जो आंतरिक जो छोर होता है उसमें दो मुख्य भाग होते हैं। नीचे वाला जो भाग होता है वो तो कहलाता है रेडिकल, और ऊपर वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं प्लूमूल। रेडिकल को हम क्या बोलते हैं? मूलांकुर। मूलांकुर का मतलब क्या होता है? अर्थात इस भाग से, ये जो बीज का जो नीचे वाला जो पार्ट है, इस भाग से किसका निर्माण होगा? मूल का निर्माण होगा, जड़ का निर्माण होगा, और ये जड़ एक तंत्र का निर्माण कर लेगी, चाहे वो मूसला जड़ हो चाहे वो झकड़ा मूल हो। परंतु इसके अंदर एक बीजपत्री पादपों में कौन सी मूल पाई जाती है? इसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। तो अपस्थानिक जड़ों का जो निर्माण होगा बीज के कौन से भाग से होगा? रेडिकल भाग से होगा, जिसको हम बोलते हैं मूलांकुर। दूसरा जो इसके अपोजिट में दूसरा ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक रंग में मैंने लाइनें खींची है इस पार्ट के ऊपर, इसको बोलते हैं प्लूमूल। प्लूमूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांकुर। प्रांकुर का जो मुख्य कार्य होगा वो होगा कि जो जमीन से ऊपर वाला जो भाग बनाता है वो कौन बनाता है? प्रांकुर, अर्थात परोह का निर्माण करेगा। जमीन के नीचे वाला जो भाग बनाएगा वो तो रेडिकल बनाएगा, और जमीन के ऊपर वाला जो भाग बनाएगा वो कौन बनाएगा? प्लूमूल या प्रांकुर बनाएगा। अब जमीन के ऊपर वाले भाग में कौन कौन से भाग आएंगे? जैसे तना है, पत्तियां हैं, पुष्प है, फल है, और लास्ट में फिर बीज का निर्माण होता है। तो ये जो संपूर्ण जो जमीन से अर्थात वायवीय जो भाग हैं उन भागों का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा? प्रांकुर करेगा, और मूलांकुर के द्वारा मूल तंत्र का निर्माण होगा। उसके बाद में लास्ट जो इसका लास्ट जो भाग है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण होता है वो भ्रूण पोषी होता है या अभ्रूण पोषी होता है। तो कल की कालांश में मैंने बताया था कि जितने भी डाइकोट प्लांट हैं, डाइकोट सीड हैं, वो हमेशा अभ्रूण पोषी होते हैं, जबकि मोनोकोट जो सीड हैं वो क्या होंगे? भ्रूण पोषी होंगे। तो इसको ध्यान रखने योग्य बात यही है कि इसका जो एम्ब्रियो होगा वो क्या होगा? भ्रूण पोषी होगा, क्योंकि ये एक बीज पत्री बीज की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम, ये तो हो गया इसका आउटर स्ट्रक्चर, यानी कि ये बाहरी जो आवरण, बाहरी तौर पर हम गेहूं का बीज लेकर के इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, तो ये परतें और ये जो भाग हैं हम आसानी से देख सकते हैं, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका यदि LS यानी कि अनुदैर्ध्य काट यदि लंबवत काटा जाए तो ये सभी भाग हमारे को साधारणतः स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आंतरिक भागों की। आंतरिक भागों में चलें तो सबसे पहला देखो भाग था सीड कोट। यहाँ पर सीड कोट को हमने केवल एक ही परत में बांटा था, परंतु ये जो परत होती है ये परत मुख्यतया चार या पांच कोशिकाओं या परतों से मिलकर के बनी होती है। अब चार या पांच कोशिकाएं या चार या पांच परतें कौन कौन सी होती है? सबसे पहली जो परत है उसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा अर्थात बाहरी छोर पर पाई जाने वाली ऐसी पतली परत जो आंतरिक भागों की रक्षा करती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य परत कहते हैं। ये आपको ब्लैक रंग की ये जो परत दिखाई दे रही है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है, सबसे पतली ये जो परत है, ये परत क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा कहलाती है। ठीक इसके नीचे दूसरी जो परत है वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को क्या कहते हैं? अधोत्वचा। अधोत्वचा को हम उपत्वचा के नाम से भी जान सकते हैं। तो अधोत्वचा और उपत्वचा एक ही है। तो जो अधोत्वचा होती है वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे आयताकार अथवा वर्गाकार कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, और ये जो हाइपोडर्मिस है और एपिडर्मिस है एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती है। तो ये हो गया अधोत्वचा या उपत्वचा। इसके बाद में इस उपत्वचा के नीचे आपको ये गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये जो गोलाकार अंडाकार संरचनाएं हैं इनको हम कहते हैं थिन सेल।
क्या बोलते हैं, थिन सेल अर्थात थिन कोशिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है, गोलाकार संरचनाओं में व्यवस्थित होती है और कहाँ पाई जाती है, हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे व्यवस्थित होती है, संरचनाएं गोल होती है। उसके बाद में जो कोशिकाएं हैं वो है क्रॉस सेल, जो क्रॉस कोशिकाएं पाई जाती है वो थिन कोशिकाओं के ठीक नीचे उपस्थित होती है। और ये जो इनका नाम क्रॉस क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से क्रॉस करती हुई पाई जा रही है। आपको ये डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे से क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब इसको नाम क्या दे दिया गया, क्रॉस रूपी, क्रॉसवत जो कोशिकाएं हैं वो ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि कितनी कोशिकाएं अपने पास हो गई, पहली जो कोशिका थी वो एपिडर्मिस थी, दूसरी जो कोशिका थी हाइपोडर्मिस, तीसरी जो कोशिका थी वो थिन कोशिकाएं थी और चौथी कोशिका कौन सी थी, क्रॉस सेल। तो ये चार प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करती है, सीड कोट अर्थात बीज चोल या बीजावरण का निर्माण करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बीजावरण का जो निर्माण करेगी वो चारों कोशिकाएं मिलकर के करेगी। तो अपना पहला जो भाग था वो कौन सा था, सीड कोट, ये अपना पहला जो भाग है वो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में हम बात करते हैं, इसके नीचे कभी कभी कई कोशिकाओं में क्या है कि ट्यूब सेल भी पाई जाती है, तो ट्यूब सेल को भी हम किस में गिनते हैं, ऊपरी भाग की कोशिकाओं में ही गिनते हैं। ट्यूब सेल जो होती है इनकी संरचनाएं जो होती है वो नलिका रूपी होती है। ये जो संरचनाएं होती है ये नलिकाएं बीच में से खोखली पाई जाती है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई सघन आवरण नहीं पाया जाता, ये हो गई ट्यूब सेल। अब इसके बाद में हम ट्यूब सेल के बाद में हम बात करते हैं भ्रूणपोष की। भ्रूणपोष को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, बीज का वह भाग जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म में मुख्यतया प्रोटीन, वसा, तेलीय बूंदें और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से भ्रूण आसानी से पोषण प्राप्त करता है। तो ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म में आप यदि इसका विस्तृत अध्ययन करोगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्म जो भागों का वर्णन करोगे, सूक्ष्म भागों को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ऐसी छोटी छोटी ऐसे बूंदे आपको दिखाई देगी। तो ये बूंदे वसा की हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है, विभिन्न प्रकार के विकर या एंजाइम्स हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जो चिकनी जो तेलीय जो बूंदे होती है, ऑयली ड्रॉप जिसे बोलते हैं, वो इसमें उपस्थित होती है और इनकी उपस्थिति के कारण ही जो भ्रूण होता है वो पोषण को प्रदान करता है और ये भ्रूण के पोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दूसरा अपना भाग कौन सा है, एंडोस्पर्म हो गया। अब तीसरा ये जो भाग था, ये भाग था अपने एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। अभी मैंने आपको बताया था कि बीज में दो भाग थे, एक तो था रेडिकल और दूसरा था प्लूमूल। तो जनरली हम जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमारे को स्पष्ट रूप से रेडिकल और प्लूमूल भाग दिखाई नहीं देते हैं। क्यों दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम इसका क्या काटते हैं, एलएस काटते हैं, तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। परंतु यदि हम इसका और भी सूक्ष्म अध्ययन करें तो आसानी से हमारे को ऐसे दो भाग दिखाई देते हैं और ये जो दो भाग हैं जिनको मैंने काले मार्कर से भी इसको रेखांकित किया है, तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं। तो नीचे वाला जो भाग होगा रेडिकल, रेडिकल किसका निर्माण करेगा, मूलांकुर यानी कि मूल का निर्माण करेगा, और प्लूमूल किसका निर्माण करेगा, प्रांकुर का निर्माण करेगा। तो इसमें जो एंडोस्पर्म के ठीक नीचे ऐसी स्थिति बनती है और उसके बाद में लास्ट जो अपना भाग है वो क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में केवल अपने को ये इतना ध्यान रखना है कि जो भ्रूण होता है वो अभ्रूणपोषी होता है या भ्रूण
पोषी होता है। तो एक बीज पत्री पादपों के बीजों में जो हमेशा जो बीज पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, भ्रूण पोषी होते हैं। तो आपको ध्यान रखने की बात यह है कि परीक्षा में यदि ये पूछा जाए कि एक बीज पत्री जो बीज है वो भ्रूण पोषी है या अभ्रूण पोषी, तो ध्यान रखना है चाहे एक बीज पत्री पादप के अंदर चाहे आपको चावल दे दे, मक्का दे दे, जो दे दे, बाजरा दे दे, गेहूँ दे दे, कोई भी दे दे उदाहरण, आपको केवल उसमें भ्रूण पोषी ही लिखना है। द्विबीज पत्री पादपों में चाहे चना दे दे, मटर दे दे या मूंगफली दे दे, तो ये यदि आपको द्विबीज पत्री पादप आते हैं तो वहाँ पर आपको अभ्रूण पोषी करना है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये विस्तृत आपको पहले तो इसका आउटर जो स्ट्रक्चर है अर्थात बाहरी जो संरचना है इसको डायग्राम बना करके आपको सारे पार्टों के बारे में इसको बताना पड़ेगा। उसके बाद में इसकी आंतरिक जो संरचना है इसके बारे में हमारी ये जो सारी जो कोशिकाएँ हैं जो आउटर लेयर अर्थात ये जो बीज चोल या बीजावरण है, बीजावरण पांच कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये पांचों कोशिकाओं को दर्शाना होगा। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो एंडोस्पर्म का है, उसके बारे में बताना होगा। और तीसरा पार्ट जो है वो कौन सा है, एम्ब्रियो, और इसमें रेडिकल और प्लूमूल जो पार्ट हैं जिनसे जड़ और प्रांकुर का निर्माण हो रहा है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। अब उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, लास्ट में आपको उदाहरण लिखना है कि एक बीज पत्री जो बीज होता है उसमें कौन कौन से पेड़ पौधे या बीज आते हैं। तो एक बीज पत्री पादपों में यदि हम बात करें तो जनरली ग्रेमिनी कुल के जितने भी पादप हैं वो सब क्या हैं, एक बीज पत्री पादप हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का है और चावल है, इनके बारे में आपको उदाहरण के तौर पर लिखना है। तो आज की कालांश में इतना ही, अगली कालांश में एक नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।